देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका सवाल गुज़िश्ता 75 सालों से किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई ना दे सका। पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए बड़े सारे मसाइल हैं जो आज तक हल ना हो सके, और आज जिस नहज पे पाकिस्तान की मईशत आ खड़ी हुई है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस तरह की बातें की जाएँ। आज जब मैं प्रोग्राम की तैयारी में मसरूफ था, और जब मैंने प्रोग्राम की तैयारी शुरू की तो पाकिस्तान इकॉनमी जब लिखते हैं तो साथ में एक और बड़ा खौफनाक वर्ड सामने आता है, जो है डिफॉल्ट का। यकीनी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के किसी भी तौर पे करीब नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत से ये लफ्ज का जुड़ जाना, ये खुद एक अचंभे की बात भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सियासी हुक्मरानों ने और पाकिस्तान के नामवर मईशतदानों ने बहुत कुछ काम किया, लेकिन कहीं ना कुछ कसर जरूर रह गई। आज यही वजह है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ भी कहना कुछ ज्यादा आसान नहीं होता। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज के बारे में बात की जाए तो पहला फाइनेंस मिनिस्टर अगले फाइनेंस मिनिस्टर की तमाम तर पॉलिसीज को पूरी तरीके से निगेट करता है, चाहे वो एक ही पार्टी का क्यों ना हो। आज पाकिस्तान की मईशत से जुड़े इन्हीं सारे सवालात के जवाब लेंगे, और आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि दो बड़े खूबसूरत नाम जो पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं तारुफ कर रहा था, चलो जनाब मियाँ जायद हुसैन साहब पाकिस्तान के सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं और सितारा इम्तियाज में, और यकीन तौर पर किसी भी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब उमर जहीर मीर डायरेक्टली फ्रॉम लाहौर, और यकीन तौर पे इकॉनमी और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और काफी सारे मामलों को बहुत अच्छे अंदाज से समझाते भी हैं। तो आज ये हमारी खुशकिस्मती के दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जाहिद साहब, राइट नाउ पाकिस्तान की इकॉनमी किस पॉइंट पे आ चुकी है, हमारी मईशत कहां स्टैंड करती है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, और मजीद शुक्रिया जो आपने मेरे बारे में अच्छे कलमात अदा किए। जहाँ तक पाकिस्तान की इकॉनमी का ताल्लुक है, तो आज की अगर हम बात करते हैं, आज की जो सूरत हाल है, तो वो जो अप्रैल में सूरत हाल थी उससे कदरे बेहतर है। और जहाँ तक डिफॉल्ट की आपने बात की, तो अप्रैल में जो सिचुएशन थी या गालबन मार्च में जो सिचुएशन थी, वो बिल्कुल हम वी वर एट द वर्ज ऑफ टोटल कोलैप्स एंड एट द वर्ज ऑफ टोटल डिफॉल्ट, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी, आप कोई तकरीबन 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी दे रहे थे, और इसी तरीके से आप बिजली में भी अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे थे। और इसका मतलब यह है कि आप अगर इतनी हैवी यानी तकरीबन 300 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हो पेट्रोल और डीजल पे, तो जाहिर है कि आपने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मईशतें जो है वो भी इतनी बड़ी सब्सिडी देने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यही था कि आप नंबर एक तो आप फाइनेंशियली कोलैप्स करने की पोजिशन में थे, नंबर टू बात यह थी कि आपने को तकरीबन 20 अरब डॉलर के जो फॉरन डेट है वो इस साल किस्तें थी जो कि आपने पे करनी थी, और IMF का प्रोग्राम जो है उसकी चूंकि आपने खिलाफ वर्जी की थी, तो इस वजह से IMF के प्रोग्राम से आप आउट हो चुके थे। तो IMF वो इदारा है कि जो आपको सर्टिफाई करता है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो जो फॉरेन लैंडर्स हैं वो आपके ऊपर आपकी मईशत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और वो फिर आपको मजीद कर्जे देते हैं, पुराने कर्जे लेते हैं मजीद देते हैं, तो इस तरीके से रोल ओवर चलता रहता है। लेकिन अगर आपको IMF की सर्टिफिकेशन ना हो और आप IMF के प्रोग्राम में ना हो, तो इसका मतलब है कि जो आपने पुराने कर्जे देने हैं जिनकी किस्तें ड्यू हो गई हैं वो आपने पे करने हैं, मगर मजीद कर्जे आपको मिलेंगे नहीं, तो वो जाहिर है कि फिर आप 20 अरब डॉलर वो कहाँ से अदा करते। तो ये थी उस वक्त हमारी सिचुएशन के उसमें हम एक बिल्कुल फिक्स्ड लाइक पोजीशन में आ गए थे, और वो बड़ा करीब था कि हम लोग उसमें डिफॉल्ट। तो मैं ये समझूं मियां साहब कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4-5 माह में जो इकदाम किए हैं, आप उससे काफी मुतमईन हैं? या उसमें देखें, वो इकदाम ऐसे थे कि जो यकीनन बड़े डिफिकल्ट थे हुकूमत के लिए, और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई आते के साथ ही, आपको याद होगा कि महीना एक तो इन फैसलों को टालते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो फिर वो उनको फैसले करने पड़े, और उसके नतीजे में उनको तकरीबन 100 रुपया लीटर इसकी कीमत भी बढ़ानी पड़ी, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी। तो तब आपने क्वालिफाई किया, एक तो आपके फाइनेंशियल्स बेहतर हुए, दूसरा आपने क्वालिफाई किया कि IMF के प्रोग्राम में आप वापस उसको अवेल कर सके, ठीक हो गया। कंडीशनलिटीज थी, मैं आता हूँ IMF की कंडीशनलिटीज पे आता हूँ मियां साहब, मैं आता हूँ, लेकिन उमर साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा
कि व्हाट डू यू थिंक जो 5 महीने गुजरे हैं हुकूमत के, या मैं कह दूं कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की क्यादत में जिस अंदाज से फाइनेंस मिनिस्ट्री रन की गई और अब जो इसहाक डार साहब की क्यादत में तमाम तर काम हो रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं जी, मेरा नुकता नजर इसमें डिफरेंट है। पहले तो आपको मुबारक हो, एज यूजुअल आपने आपकी टीम ने एक बड़े पर्टिनेंट टॉपिक पे प्रोग्राम किया है। देखें, और मैं एक थोड़ी सी ना यूनिक पोजीशन में हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्रीज नहीं बल्कि इकोनॉमी की भी है। तो आई एम इन द पोजिशन जहाँ पे मैं इकोनॉमी फाइनेंस दोनों साइड को समझता हूँ। डार्ट आर नो डाउट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी उस साइड की फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल वो इकोनॉमिस्ट नहीं। देखें, इकोनॉमी के लिए जहर कातिल होता है तजब्बुर। मेरे काबिल दोस्त यहाँ पे फरमा रहे थे, उन्होंने पहले वेट किया जब जरूरी था। हमें तो कहा जा रहा था कि हमारा प्लान तैयार है, हम आएंगे, हम रेडी हैं, सारा हम फौरन करेंगे, और आके महीने गुजर गए, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा था। जितनी तबाही करी इकोनॉमी का, जितना बेड़ा गर्क उस अनसर्टेनिटी ने किया, वो होने की कोई तौजी नहीं। दूसरा, अभी आप देखें, आपके पिछले प्रोग्राम में बड़ी हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि ये जो डॉलर का रेट चढ़ा है, इसकी बड़ी वजह होल्डिंग और पट्टा है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आप देखें डार के आते ही डार साहब के क्या हुआ, इसी को कंट्रोल करने की कोशिश की है ना। तो ये चीज पहले क्यों नहीं हो रही, मतलब पहले मरीज का इतना शदीद नुकसान कर दो कि वो आखिरी सांसें लेने लगे, फिर उसका शदीद ऑपरेशन करके आप उसे बचाएं और कहें कि हमने तो इसकी जान बचा के एक मुद्दा बर्पा कर दिया है, तो ये हकीकत नहीं। पहला सवाल ये होगा कि उसको आपने जान सुनी की हालत तक क्यों लेके। अब आ जाए जो इन्होंने स्टेप्स लिए, मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ 2-3 मिसालों से आपके नाज़रीन को आसान अल्फाज में समझ। एक बात हमने आपके प्रोग्राम से पहले भी की थी कि देखें कुछ चीजें जो हुकूमत के ख्याल में नहीं, हम मानते हैं मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम की कीमत अगर आलमी मार्केट में बढ़ती है तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हुकूमतों के इख्तियार में होती है। डीजल 60% पाकिस्तान का अपना यहाँ पे क्लियर होता है, हमारी अपनी ओएमसी स्टेट ऑन करती है। कोविड के बाद जो सप्लाई चेन के इश्यू थे उसमें पूरी दुनिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने मार्जिन बढ़ाए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, $5 से 50 पे ले। हमारी भी ओएमसी ने यही किया, सबसे बड़ी ओएमसी तो स्टेट ऑन करती है। इन्हें सिर्फ इतना करना था कि उन्हें कहना था भाई तुम नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ, क्यों? क्योंकि डीजल के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर, डीजल के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डीजल के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डीजल के ऊपर गुड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे अगर हमारा आवाम को रिलीफ देंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें उसकी लेग से कॉस्ट पड़ जाएगी, चलेगी 20-40-50 अरब हमें पड़ जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो इकोनॉमी को फायदा होगा, महंगाई कंट्रोल होगी, इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। बट उमर साहब, आप बात करें ना, आप तो उन मेजर्स की बात करें जिसको आईएमएफ नहीं मानता। आईएमएफ तो कहता है कि आपकी इकोनॉमी डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिसिप्लिन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने। देखें, दो चीजें इसमें, इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने के हवाले से जो स्टेप्स है, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई इनकार करेगा, लेकिन जो गलत बयानी है, जो नंबर फजिंग है, जो आईएमएफ का नाम लेके करना है। आपके लास्ट प्रोग्राम में एक हमारे दोस्त थे, मुझे उनका इस पर नाम नहीं याद, उन्होंने फरमाया था कि आईएमएफ ने क्या ये रेट देगा, तो मैंने आपके प्रोग्राम में लिंक शेयर किया था कि आईएमएफ के एग्रीमेंट में रेवेन्यू टारगेट थे और उस रेवेन्यू टारगेट के लिए हुकूमत ने सजेस्ट किया था कि हम लेवी लगाएंगे। आईएमएफ ने नहीं कहा जी, आईएमएफ ने कहा था ये रेवेन्यू पूरा। अच्छा, आवाम को बेवकूफ समझते हैं, ये बताते नहीं है कि हमने अपनी आसानी के लिए खुद मेहनत ना करना पड़े ये रास्ता चूज किया है, और उसका जो इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर होता है। अब मुझे ये बताइए ना, दोनों में से एक तो गलत है। मिफ्ता साहब ने अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी इंडिया ने भी बड़ा जुल्म किया और डार साहब भी जुल्म कर रहे, और डार साहब ने कहा जी छोड़ दें, अब मुझे डील करने दें, मुझे डील करना आता है, दोनों में से कौन गलत? मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो उमर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं इस हवाले से, लेकिन मियां साहब, दो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो और दोनों की पॉलिसीज आप कह सकते हैं पुल्स अपार्ट नजर आई। एक जानब मिफ्ता इस्माइल साहब डिसिप्लिन की बात करते रहे, आईएमएफ प्रोग्राम की बात करते रहे, इस वक्त डार साहब आए और डार साहब ने कहा जाए 180 डिग्री का टर्न लिया और तमाम जो मेजर्स लिए गए अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है। डू यू थिंक कि अगर पॉलिसी इसी तरीके से ड्राइव की जाए तो पाकिस्तान जैसा मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है? बिकॉज वी हैव सीन पॉलिसीज चेंज होती है, पाकिस्तान पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखें, दोनों की अप्रोच में डेफिनेटली फर्क है।
जिसमें और एक बड़ा जो अप्रोच में फर्क है वो ये है कि मुफ्ता साहब भी फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो डॉलर के हवाले से बात कर रहे थे कि जी मैं उसमें इंटरवीन नहीं करूंगा और डॉलर जिस तरह से है मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक चलेगा। दूसरी तरफ जैसे ही इसहाक डार साहब आए हैं तो उनके अभी वो लंदन फ्लाइट में बैठे ही थे तो उन्होंने जो बयान दिए वो सख्त किस्म के बयान दिए कि जी स्पेकुलेटर्स बाज आ जाए और हम डॉलर को फ्री फ्लोट नहीं होने देंगे और बैंक वाले भी बाज आ जाए और मैं इसको आगे चेक करूंगा। और अभी तक तो उन्होंने कोई पॉलिसी मेजर लिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने सिर्फ ये बातें ही की हैं उसके नतीजे में ही लोगों ने ये फील किया कि अब ये गवर्नमेंट जो है दे मीन बिजनेस, और इस वजह से बैंकों का पैसे भी आ गए, एक्सपोर्टर के पैसे जो बाहर रुके हुए चले आए और उसकी वजह से अब तकरीबन 18 रुपए इसहाक डार साहब के आने के बाद डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ चुकी है। लेकिन मियां साहब माजरत के साथ कथा कलामी हो रही है, अप्रोच में फर्क है जो गवर्नमेंट की रेट कथा कलामी करने की कथा कलामी करूंगा, लेकिन ये जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं मियां साहब, जो डॉलर की आप बात करें ये डॉलर हमने देखा रिसेंटली अभी ऑलरेडी नीचे की तरफ आया था लेकिन फिर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर ऊपर की तरफ चला गया। रिसेंटली ये दो बार ऐसा हो चुका है ना कि डॉलर नीचे की तरफ आता है, रुपीस स्ट्रेंथन होता है लेकिन इसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता उन लेवल्स पे। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी एक तो देखे रीजन, दो रीजन है उसकी, एक तो है उसमें स्पेकुलेशन है कि मार्केट में सट्टेबाजी होती है, मार्केट में लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जब उनको ये फील होता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है या ऊपर जाएगा तो लोग जो है डॉलर की होल्डिंग भी करते हैं, परचेज करके भी रख लेते हैं, एक्सपोर्टर जो है वो अपनी सेल्स प्रोसीड्स पाकिस्तान में इन टाइम नहीं लाते हैं जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, बैंक्स भी अपने डॉलर जो है उनको होल्ड कर लेते हैं, इस वजह से वो फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, एक मार्केट ट्रेंड होता है। उसी चीज को जब इसहाक डार साहब ने टैकल किया और उसको उन्होंने नहीं होल्ड करने दिया तो उसके नतीजे में डॉलर मार्केट में आना शुरू हो गया और उसकी वजह से वो मार्केट नीचे आ गई। ये तो है सिर्फ मार्केट की चीजें, मार्केट स्पेकुलेशन की बातें हैं, ठीक है, लोग हर बंदा उसमें चांस लेने की कोशिश करता है। अब असल बात जो है वो है हमारे पाकिस्तान के वाइटल्स और पाकिस्तान के फंडामेंटल्स जिसकी वजह से डॉलर को आप मुस्तकिल तौर पर नीचे रख सकते हैं या रुपये को मुस्तकिल तौर पर स्टेबल कर सकते हैं। वो फंडामेंटल जो हमारे हैं वो अभी तक जो के तुम हैं और उसमें कोई चेंजेस आई नहीं है। Exactly, इसके कि आपने पिछले 2 महीने से इंपोर्ट्स को जबरदस्ती रोका हुआ है और इंपोर्ट को जबरदस्ती रोकने के नतीजे में इस वक्त पोर्ट के ऊपर बेशुमार हजारों कंटेनर पड़े हुए हैं और माल अभी तक रिलीज नहीं हो रहा, इस वजह से स्टेट बैंक उसके लिए फॉरन एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं कर रहा और इस वजह से आपने कोई 31% के करीब अपनी इंपोर्ट जो है पिछले 2 महीनों में कम किया और उसका 2-2.5 अरब डॉलर आपका जो है इंपोर्ट कम हुई है। तो एक तो वो आपके पास एक डॉलर का कुशन आ रहा है जिसकी वजह से आपकी डॉलर की रिक्वायरमेंट कतरे कम हो रही है। लेकिन लेकिन मियां साहब जो आप डॉलर की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मियां साहब जो आप डॉलर की बात कर रहे हैं गालिबन हमें दिसंबर में मियां साहब जो आप डॉलर की बात करें गालिबन दिसंबर में हमें $1 बिलियन की पेमेंट करनी है लोन्स के मद में या बॉन्ड्स के मद में, तो वो डॉलर तो कहीं ना कहीं फिर हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क रहेगा ना? नहीं नहीं उसकी देखें बात यह है कि इस वक्त हमें $2 अरब तो आना है वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे आने हैं, इसी तरीके से कुछ सऊदी अरब ने वादा किया हुआ है, कुछ कतर ने वादा किया हुआ है। तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे ना कि हमें 6-7 अरब डॉलर 8 अरब डॉलर के लगभग आना है, वो पैसे तो आएंगे, वो इस वजह से आएंगे कि अब आप IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF के प्रोग्राम में होने से जो आपका एक बैरियर है वो हट जाता है और ये आपको फर्दर जो है वो जो मैं अभी रोल ओवर की बात कर रहा था कि अब आप वो नया पुराना करते रहेंगे, पुराने पैसे देंगे नए पैसे लेंगे तो वो आपका नया पुराना होता रहेगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और अब आप डिफॉल्ट की पोजिशन में भी नहीं है। असल जो मैं आपसे गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी ना और जब तक फॉरेन रेमिटेंस भी बनेगी, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 30-31 अरब डॉलर की। मैं ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं आपके पास वापस आते हैं, ये सवाल भी छोड़े जाते हैं ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान के पास इस सिनेरियो ऑप्शंस क्या बचते हैं। अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की शरह देखें तो वो इस वक्त ऑल टाइम हाई साइड पे नजर आती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब के 22 तबाहकारियां हुई हैं उससे जो तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का वो $30 बिलियन का है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं और उसमें क्या कुछ पाकिस्तान कर सकता है? ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक सवाल छोड़ा गया था ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान में जब मईशत की बात करते हैं तो मईशत का ताल्लुक तो आम इंसान से होना चाहिए। आम आदमी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह लगभग 27% के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें तो वो 27% तक रिवॉल्व करते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो तखमीना जो लगाया जा रहा है वो 20% महंगाई का। एक सवाल है कि पाकिस्तान जब भी इंडस्ट्रियल जोन की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाता है, जब इंडस्ट्रियल तरक्की की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता है जब पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। पाकिस्तान के इकोनॉमी के जो बैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं चौंकते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्यों पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाता। आज पाकिस्तान की सनअतों की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सनअत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो वो मुकम्मल तौर पर बंद होती हुई नजर आ रही है। साथ में जो फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस है वो भी अपने उरूज पे नजर आ रहा है। तो ये आखिर हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है कि हुकूमत इन सब मामलों के ऊपर काबू पा सके? उमर साहब, ओवर टू यू, आपसे आगाज करते हैं इस हवाले से। सर, डू यू थिंक गवर्नमेंट के पास इस वक्त किसी भी किस्म का कोई प्लान नजर आता है जो भी चैलेंजेस उनसे निमटने के लिए? मुनीर साहब, आई डोंट थिंक, देखिए मेरे फाजिल दोस्त ने फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा बताया है कि हमें बिल्कुल अपनी इंपोर्ट कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज करें, एग्रीकल्चर को बढ़ाएं और उसके बाद चीजें आगे लेके जाएं। लेकिन वो क्या रहा है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज स्टुपिडिटी। तो आप देखें माजी में डारो इकोनॉमिक्स है क्या। डारो इकोनॉमिक्स बड़ी सिंपल, भाई से आप ज्यादा से ज्यादा कर्जे लें, उसमें से कुछ हिस्सा आप खा जाएं या जो भी आपकी पिल्फरेजेस होंगी, कुछ से आप अवाम को टेम्परेरी रिलीफ दें, कुछ मार्केट में पे के आर्टिफिशियली करेंसी को आप स्टेबल रखें, इसमें आप अपना वक्त गुजारें, लोगों के रोजगार के लिए आप इम्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा कराएं, वो वक्त गुजर जाएगा, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं, कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं, कोई एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं, उसके बाद अगली हुकूमत जाने और उनका मसला जाने। और उमर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, उमर साहब बताएं, मैं सिर्फ एक मिनट कलामी, माफ सिर्फ एक मिनट जी। अभी भी जैसे आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे, डैमिंग न्यूज आई है कि हमारी जो इतना अहम एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर है टेक्सटाइल का, वो बंद होने जा रहा है, 50 लाख नौकरियां जा रही है, 1200 टेक्सटाइल यूनिट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, बाकियों ने कहे संडे से हम क्लोज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हलाक कर दिया, किसान इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं, रुल गए हैं, जो रिलीफ दे सकते थे डीजल का मैंने आपको बताया वो भी है। अगर हम ना इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट को कर रहे हैं, किसान भी रो रहे हैं, फिर हम कर क्या रहे हैं? मतलब नुस्खे तो सही है लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सर, डार साहब बांधेंगे ना, 5 साल की छुट्टी लेके आए मुल्क में। सर, डार साहब मुल्क में 5 साल की छुट्टी लेके आए, बिल्कुल चाको चौबंद होके अपनी बीमारी का इलाज करा के आए, तो ही इज टोटली फिट टू रन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब ही इज टोटली फिट ना, देखें अभी हमने सारी दुनिया में सैलाब के हवाले से रोए हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिट ही रखे, $2.5 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज कमिट कर दिए, $2 अरब पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था जो ईयर मार के सैलाब जदगान के लिए देंगे, बाकी भी अभी मैं गया हुआ था ग्लोबल टैक्स फोरम की मीटिंग में, मैं भी वहां रो के आए हूँ कि जी हमारा 33% मुल्क डूबा हुआ है, सारा कोई आप हेल्प करें पाकिस्तान की, तो वो माशाल्लाह 2, 4, 6, 8, 10 अरब डॉलर आएंगे, उन $8-10 अरब में से $2-3 अरब हम मार्केट में देंगे, रुपी को 200 से नीचे लाएंगे, 2-4 अरब डॉलर हम अपनी जेबों में बैंक अकाउंट में साइफन कर देंगे, जिसके कभी सबूत नहीं मिलेंगे। अब तो वैसे ही नैब ऑर्डिनेंस कहता है 50 करोड़ तक तो आप पूछ नहीं सकते, उसके ऊपर भी रसीदे आपने लाख नहीं करनी है, बाकी जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे $2-2.5 अरब उससे हम आवाम को रिलीफ दे देंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी अल्लाह खैर से लाइए, बीमारियां और बढ़ेगी। मैं और जाहिद साहब अगले प्रोग्राम में भी बैठे यही रो रहे होंगे, हमारे मुल्क के ये मसाइल है, ये हल है, ये होने चाहिए, और कुछ दोस्त डार साहब की तारीफ कर रहे होंगे, कुछ मुखालफत, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एज अ पाकिस्तानी जो सच है हमें वो देखना चाहिए कि डार साहब जब पहले भी रहे क्यों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर सके। बात डार साहब की नहीं है, बात मिफ्ता साहब की नहीं है, बात तरेन साहब की नहीं है, किसी शख्सियत की नहीं है, बात पाकिस्तान की और इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल की है। जब हमें पता है इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल कौन से हैं तो फिर उनपे अमल क्यों नहीं हो रहा, और अगर हमें नजर आ रहा है उनपे अमल नहीं हो रहा तो किसी शख्सियत की मोहब्बत में हम क्यों कह रहे हैं गलत बात कि जी मुल्क के लिए बहुत। और साहब आपका पॉइंट आ गया, और साहब पॉइंट आ गया, लेकिन जाहिद साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर बताइएगा कि जो उमर साहब कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, माजी में जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे
तो कहीं ना कहीं जो उनके इकदाम थे उन्हीं की गवर्नमेंट ने उसको निगेट भी किया था। उन्होंने रुपी को आर्टिफिशियली या वट एवर कह के आप कहें कि 98 के लेवल्स के ऊपर मुस्तहकम रखा, स्टॉक मार्केट में उसको 52,000 पॉइंट्स को टच किया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। तो क्या ये जो इस वक्त भी गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है, इज इट आर्टिफिशियल और इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने जा रहा है, बेनिफिट होने जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए बात यह है कि ब्लेम गेम में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हम तो बात करेंगे कि जो एक सही सामने की बात नजर आ रही है पाकिस्तान की। जहां तक फंडामेंटल्स, मैं अभी रिपीट करूंगा बात को कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स या किसी भी मुल्क के फंडामेंटल्स हैं क्या। फंडामेंटल्स उसके ये हैं कि उसकी एक्सपोर्ट कितनी है, उसकी फॉरन रेमिटेंस कितनी है, टोटल इनकम उसकी कितनी है। वो पाकिस्तान की 62 अरब डॉलर की इनकम है, 80 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट कर लेते हैं, और 80 अरब डॉलर की जो आपने इंपोर्ट किया है जरा उसके ऊपर भी अगर आप जायजा ले लें तो आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और आपने 17 अरब डॉलर के एग्री आइटम पिछले साल इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, दैट इज अलार्मिंग, और शायद अगले साल से ज्यादा होंगे, और अगले साल से ज्यादा होंगे, जाहिर साहब मैं गलत नहीं हूं तो जी मैं जरा वजात कर दूं, 17 अरब डॉलर में 10 अरब डॉलर के फूड आइटम थे, 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल है, 2 अरब डॉलर की कॉटन है और 1 अरब डॉलर की चाय है। तो ये 17 अरब डॉलर के एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है, 17 अरब डॉलर का मतलब है कि 4,000 अरब रुपए, ये 4,000 अरब रुपए हम दूसरे मुल्क के किसानों को बांट रहे हैं, अपने मुल्क के किसानों को नहीं दे रहे। अगर यही 4,000 अरब रुपए पिछले साल हमने अपने मुल्क के किसानों में बांटे होते, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए होते, तो पूरे मुल्क में एक रेवोल्यूशन आ जाता ज़राअत की इसमें फील्ड में, और हम कॉरपोरेट फार्मिंग है, बीज है, इस तरह की खाद है, ये चीज़ें अगर हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे होते इस 4,000 अरब रुपए से, तो हमारा मुल्क जो है ज़राअत में खुद को फील होता। एक बात और जाहिर साहब, एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जाहिर साहब कि आज भी पाकिस्तान के किसान फार्मर्स गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जाहिर साहब, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आज भी पाकिस्तान के फार्मर्स किसान इस्लामाबाद में 7 दिन का एहतजाज करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, क्योंकि उनके बड़े सारे इश्यूज हैं, वो आज भी मौजूदा गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही ना जी। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि वो 4,000 अरब रुपए जो हमने पिछले साल बांट दिए दूसरे मुल्क के किसानों में, वो अपने मुल्क के किसानों में बांटे होते तो आज वो किसान जो है वो सड़कों में ना होते। तो यही हमारी पॉलिसियों में प्रायोरिटाइजेशन की गलती है। फिर हमने 4 अरब डॉलर की गाड़ियां भी मंगवाई तो 21 अरब डॉलर तो यही हो गया, और आप 18 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट में थे। इस अगर 21 अरब डॉलर में से आपने 4 अरब डॉलर की गाड़ियां ना मंगवाई होती, 2-3 अरब डॉलर की आपने क्रॉप बाहर से ना इम्पोर्ट की होती, तो आपके मुल्क में अभी आपको 6-8 अरब डॉलर का जो है ये खसारे में कमी हो जाती। तो ये चीजें अभी भी इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हमने जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी है, एग्रीकल्चरल आइटम जो इंपोर्ट करने हैं, वो अपने मुल्क के किसानों को अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये उनके मसाइल हल होंगे, और ना सिर्फ उनके मसाइल हल होंगे, उनकी गुर्बत दूर होगी, और बल्कि ये कि उसकी वजह से हम ज़राअत में खुद कफील होंगे, बल्कि ये चीजें हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, हम उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। ये चीजें हमें असल में यस्टरडे बेसिस पे करने की जरूरत है, और इन चीजों को अगर हम सही तरीके से हैंडल करेंगे तो ठीक होगा। इसी तरीके से मैं बात करूंगा एनर्जी की। एनर्जी के शोबे में हमने 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है पिछले साल, जो कि 5,000 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अब ये पैसा जो है अगर हम लोगों को ये दें कि जी आप सोलर एनर्जी लगा लें और उसको लोन देना शुरू कर दें लोगों को, और उनको बाउंड कर दें कि 6 महीने में आपने सोलराइजेशन करनी है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सब सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे तो 8-10-12 अरब डॉलर का हमारा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हमारी एनर्जी की इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। मैं सब आप बात सारी सही कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही सर? आप ये बातें गवर्नमेंट को भी बताते हैं, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही? कौन गवर्नमेंट को रोक रहा है? हाँ, अब इस तरफ आ जाइए कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती। गवर्नमेंट बात यह है कि जब हर वक्त जो है ये फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे, लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे, एक दूसरे की ऑडियो और वीडियो की तलाश में लगे रहेंगे, अपने नैब के केसेस को सेटल करने में लगे रहेंगे, तो हुकूमत किस वक्त करेंगे? अब बात यह है कि इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर वो रिजॉल्व हो जाएगी तो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं, जो पाकिस्तान की इनबिल्ट इकॉनमी है, वो कोई खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और ये चीजें जो है हमें प्रायोरिटाइज करके सही करना। अच्छा, एक बात और मैं गुजारिश करूँगा आपसे, पाकिस्तान हर साल 20 अरब डॉलर अपने ज़ाया कर देता है। वो किस चीज़ में ज़ाया करता है?
हम तकरीबन 300 अरब रुपए की हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है, यानी हम बाप से गैस मंगवाते हैं, ऑयल मंगवाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं और बनाने के बाद उसमें से 300 अरब रुपए की बिजली जो है वो जाया कर देते हैं, यानी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की 300 अरब रुपए ही की बिजली जो है लाइन लॉसिंग में जाया होती है, तो 1.5 अरब डॉलर हम उसमें जाया कर देते हैं। 3 अरब डॉलर तो हमारा जो है सिर्फ बिजली के शोबे में, 600 अरब रुपया बिजली के शोबे में हमारा लॉस है, 150 से 200 अरब रुपया हमारा गैस के शोबे में लॉस है। गैस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या अपने कुएं से निकालते हैं इंडिजिनस गैस और उसके बाद उसको हम जाया करते हैं, तो इस शोबे में लॉस है। 600-700 अरब रुपए का हमारा FDR में लॉस है और तकरीबन 700 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे किदारे हैं, जैसे वाबला है, रेलवे है, स्टील मिल है, इसमें हम लॉस करते हैं। ये मुझसे और आपसे टैक्स लेके और इन इदारों में लॉक किया जाता है। सर राइट साहब पॉइंट आ गया, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो मैंने गिनाया, बिल्कुल सही और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किए। जाहिर साहब मुझे उमर साहब की तरफ जाने दो, उमर साहब आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं इस पे? लेकिन पिछली हुकूमत को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बावजूद करना चाहिए था, दैट्स नॉट राइट। मतलब अगर पिछली हुकूमत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बावजूद अनस्टेबल थी देन ये भी है पहली चीज। इन पे तो इल्जाम ही यही है कि ये आवाम के लिए थोड़ी आए हैं, अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं, मैच के लिए आए हैं। बाकी फैक्ट फिगर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज देखें, अगर मैं अपने प्यारे दोस्त की आर्ग्यूमेंट लूँ ना, तो फिर उसी आर्ग्यूमेंट के तहत पाकिस्तान ये LNG के जो सौदे वगैरह कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के कुओं में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बलोचिस्तान के कुओं में इन्वेस्ट करें, खरबों अरब डॉलर की डॉलर निकल आएगी, ऐसे नहीं होता। दीज आर लॉजिकल फैलेसीज। पहले आपको इमीडिएट पूरी करनी होती है, उसके बाद जो एक्सेस फंड हो वो आप इन्वेस्ट करते हैं। आपकी मिनिस्ट्री है वो करती है, नून लीग के दौर में भी करती रही, पीपल्स पार्टी के दौर में भी करती रही, वो अपने एस्टिमेट करती है, उस एस्टिमेट के मुताबिक अगर प्रोडक्शन ना हो, क्रॉप यील्ड ना हो, क्रॉप उतनी प्रोड्यूस ना हो, हर एकड़ गिर जाए, तो आपने आवाम को भुक्का नहीं मारना होता, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। और हाँ, अगर वो एस्टिमेशन गलत हुई है, उसकी वजह से आपने एक्सपोर्ट की है, जो सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व हो वो आंसरेबल है। बाकी आ गए थोड़े फैक्ट फिगर पे, खुल के हम एक्चुअल बात करते हैं। मिसाल के तौर पर FPI जो है उसने इंक्रीज किया था पिछले साल, जब सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन थी तो 45% रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज था। इस साल आपकी 26% इन्फ्लेशन है, इस रीजन में सबसे हाईएस्ट। IMF वर्ल्ड बैंक चीफ पर है, तो प्रिसाइज 27.3% नहीं है। लेकिन इसके बाद प्लीज अगर मैं कंप्लीट कर सकूं, मैंने बड़े तहमुल से सुना है, इसके बावजूद हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें इंक्रीज 22% है। यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन के लिए अगर देखें तो एक्चुअली हमारे FPR की परफॉर्मेंस गिर गई है। इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन बिल्कुल सही मेरे दोस्त ने कहा, 200 नहीं बल्कि मेरे मोहतरम जो कलीग है, मैं उनके ऐड कर देता हूँ, गवर्नमेंट की जो लास्ट ब्रीफिंग थी उसके मुताबिक 300.25 अरब पे जा चुका है। सर्कुलर डेक हमारा 700 अरब प्लस है, लेकिन उसकी वजह क्या है? वो महंगे सौदे जो हमारे मोहतरम डार साहब के दौर में हुए। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, केस इन पॉइंट, हमारा पुराना जो कोल पावर प्लांट लगा हुआ है वो 3.5 रुपए पर यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है, जो हमने साईवाल में लगाया है वो 38.70 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और उनसे हमारा एग्रीमेंट ये है कि हम चाहे यूज करें ना करें हमें पेमेंट करनी। इससे का पहले वो बीबी मोहतरमा लगा रही थी IPPs के, जिनको हम आज तक भुगतते रहे हैं, इसकी कॉस्ट बिजनेसेस ने देनी होती है। अच्छा, आपके सामने ना पॉलिसीज के रिजल्ट लोगों के रिएक्शन से आ रहे हैं। किसान जो है वो खुशहाल था, किसान बेहतर था, आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। अभी जैसे आपने कहे महीने से इस्लामाबाद में बैठा है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही। पिछली गवर्नमेंट भूल गए इमरान खान की, जिसकी भी थी उसके पास अलादीन का चिराग तो नहीं था। पूरी दुनिया में क्राइसिस के बावजूद उसने मैनेज किया, डीजल की कीमतें कम रखी, किसानों की कीमतें वगैरह सब्सिडाइज की फसल की। इसी तरह आप इंडस्ट्री पे आ रहे, टेक्सटाइल हमारी जो सारी खत्म हो चुकी थी दोबारा से रिवाइव हो गई, जॉबें बनी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, 14 साल बाद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। ये फैक्ट फिगर है, ये मेरी बात नहीं है मुनीर साहब, 14 साल बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, क्लोज टू $30 बिलियन जा रही थी, अब उसको रिवर्स गियर दोबारा लग गया। तो मतलब अगर हम एक्चुअल फैक्ट फिगर सिचुएशंस पे जाएं तो तस्वीर कोई और रुख दिखाती है। फिर सारी बात छोड़ दें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मिस्टर इस्माइल साहब की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया, वो ये कहती है, डॉक्यूमेंट में कहेंगे शेयर कर दूंगा, मेरे पास ऑफिशियल कॉपी है, वो कहती है पाकिस्तान ने पिछले 25 साल बाद पहली दफा मुसलसल 2 साल में 5.5% से ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर की है डिस्पाइट कोविड।
लेकिन उमर साहब आप तो आगे की तरफ देखना है, चले जो हुआ उमर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आ रहा हूँ फाइनल क्यों नहीं हो रहा। उमर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जाहिर साहब आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि जब इकोनॉमी ओवर हीट होगी, आप इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो आपका जीडीपी तो बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, और आपने आर्टिफिशियली तरीके से जीडीपी को ज्यादा रखने के लिए $4 अरब की गाड़ियां भी मंगा ली, पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी फिर चीनी इम्पोर्ट कर ली, तो इस तरह की चीजें आपने हिमाकतें करके और आपने सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये सारे आपने एक्टिविटीज की, क्योंकि जब भी ट्रेड एक्टिविटी होगी तो उसके नतीजे में आपका जीडीपी बढ़ेगा। तो चूंकि आपका एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो तो था ज़रात में कि आपने अपने देखे ना, अब किसान जो आज आके वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि वो पिछले 4 साल की पॉलिसियों का ही नतीजा है ना, कि अगर वो आपने 4 सालों में 16,000 अरब रुपया बाहर बांटने की बजाय अपने मुल्क के किसानों में 2-2, 3-3, 4-4 अरब भी महीने का बांटा होता, तो आपकी ज़रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। आपने उनको हर वक्त खाद नहीं दी, आपको अंदाज़ा है ना कि किस तरीके से यूरिया के लिए किसान जो है वो दर बदर मारे मारे फिर रहे थे, जब आपने उनको यूरिया नहीं दी, आपने उनको बीज नहीं दिए, तो देखिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं किसान को, कि आपने उसको पानी देना है, गैस देनी है, सॉरी खाद देनी है, और अपना बीज देना है, ये 4-5 चीज़ें आपने उसको देनी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग आप इंट्रोड्यूस करवा दें, इरिगेशन के जदीद सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करा दें, तो ये जो बाहर पैसे आप लुटा रहे होते हैं, ये पैसे अगर अपने किसानों को अगर आप बांटना शुरू कर दें तो आपकी ज़रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी गवर्नमेंट। लेकिन जाहिर साहब हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही इन लाइन्स के ऊपर काम, क्यों नहीं कर पा रही, शॉर्ट टर्म क्यों कर रही है हमारी गवर्नमेंट ये चीजें। जब तक हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, अगेन बात ये है ना कि हम पैसे इधर उधर बांटते फिरें, इधर उधर फेंकते फिरें, अपने मुल्क में ना करें और अपनी रिफॉर्म ना करें, अपनी चीजों को ठीक ना करें, अपनी बिजली की चोरी ना रुकें, अपनी बिजली के जो उसमें लाइन लॉसेज हैं उनको हम ठीक ना करें, अपने रेलवे अपना PIA उसको हम ठीक ना करें, और जहां बैठ के जितने मर्जी हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। तो बात यही है कि इस वक्त चीजों को एड्रेस करें, खड़े हो और अगर इनकी हुकूमत हो तो इमरान खान, नहीं मियां साहब आई गेस बिल्कुल, $16,000 अरब बनते हैं। उमर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, उमर साहब प्लीज, उमर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, उमर साहब जी जाहिर साहब आप कंप्लीट कर लें पहले। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमने कोविड के दिनों में भी जो अपनी मैनेजमेंट की, वो हमने क्या किया कि हमने चीजें इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की, और उसी की वजह से जो 3-4 सालों का जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट को आप उठा के देख लीजिए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ये हमारा बढ़ता बढ़ता जो है वो यहाँ तक पहुँच गया कि हमें $18 अरब इस साल जो है वो हो गए। पिछले साल का ये कोविड के दिनों में चूंकि हमारी इंपोर्ट कम थी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी कम थी, तो उन दिनों में हमारा सिर्फ एक प्लस में आया था ट्रेड डेफिसिट। मियां साहब लास्ट में बस एक मिनट है, मुझे एक ऐसा इकदाम बता दें जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप देखें शौकत तरीन साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा कि गाड़ियों की इंपोर्ट ज्यादा हो गई, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चला और हमारी इकोनॉमी हीटअप हो गई और हमें उसको रोकना पड़ेगा। तो बात वही है कि वो 5.8 या 6% के फिगर पे ले जाने के लिए उन्होंने देखा कि और तो हमारे बस में कुछ है नहीं, तो हम इंपोर्ट को बढ़ाना। कोई ऐसी एक चीज जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट कर सके या करना चाहिए कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन। असल बात यह है कि देखें कोई भी गवर्नमेंट हो असल बात यह है कि पाकिस्तान का वारिस कौन है, पाकिस्तान के वारिस अवाम है, पाकिस्तान के वारिस हम लोग हैं, उमर साहब हैं, हम हैं, आप हैं। तो बात यह है कि हमें किसी को ब्लेम गेम में जाने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि बिजली चोरी कौन कर रहा है और बिजली के लाइन लॉसेज में जाया क्यों हो रही है। वो 600 अरब रुपए का नुकसान जो है चाहे कोई भी कर रहा हो, उस नुकसान को रोकने की जरूरत है। इसी तरीके से इंपोर्ट में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि हमें गाड़ियां $4 अरब की मंगाने की जरूरत नहीं है, हमें जो है अपना $4 अरब का पाम ऑयल मंगाते हैं और इस साल वो $5.5 अरब का होगा, तो उसकी बजाय जो है हमें यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए। इसी तरीके से एनर्जी के इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए। अभी इस वक्त हमने आर्टिफिशियली इम्पोर्ट को रोका हुआ है, इंपोर्ट को रोकना मसले का हल नहीं है, इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन जो है वो मसले का हल है। फेर ना, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन इसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सारे लोग इसके ऊपर बैठ के इन चीजों के ऊपर फंडामेंटली काम कर सकेंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मियां साहब एक चीज ऐड कर दीजिएगा कि इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान में।
देखिए, इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त ये तो गवर्नमेंट के काम है या अपोजिशन के काम है, इस फ्लड लाइक सिचुएशन में क्या इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, क्या इस वक्त कुछ तारीख तो दी जा सकती है, 3 महीने 4 महीने की? मेरा ख्याल है कि इस वक्त बैठ के इन चीजों को बैठ के आपस में अफहाम और तफहीम से किसी टेबल पे बैठ के हल करने की जरूरत है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर। अगर देखे ना, अगर हम एक दूसरे को चोर चोर बोलना शुरू कर दें, जी आप चोर आप मुझे बोले चोर, तो चोर चोर करके तो फिर हम आपस में कब बैठ सकेंगे? ठीक हो गया मियां जाहिद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। उमर साहब प्लीज आप फाइनल रिमार्क्स दे दीजिएगा। जी बड़ी सीधी सी बात है, अभी ये एक तो ये कहना कि जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपने लोकल को पैसे नहीं दिए, बाहर दिए, ये दुरुस्त बात नहीं है। आपको पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करना होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए, बट खुद ही एक बड़ी अच्छी वजाहत की है कि यहाँ पे गिमिकरी चल रही होती है। अगर मिफ्ता साहब थे आर्टिफिशियली इंपोर्ट रोक के, पूरी पोर्ट ब्लॉक करा के, इकोनॉमी का सत्यानाश करा के एक फजिंग हो रही थी, अब हमारे दूसरे मोहतरम वजीर खजाना आए हैं तो वो माशाल्लाह नंबर फजिंग शुरू हो गई है। पूरे पाकिस्तान को पता है लास्ट महीने बिजली के बिल 1.5 से 2 गुना आए हैं, आप उनकी रिपोर्ट उठा के देख ले, वो कहते हैं 38% बिजली के। हमेशा मैं टेक्निकल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? होंगे हमारे तो नहीं हुए होंगे, मुझे इससे मुकम्मल करने दें जो आपने फाइनल रिमार्क्स कहे हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसमें अब फाइनल जो चीज है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी असूल किसी जाब्ते पे होता है ना, बात तो बड़ी सीधी सी हो रही है। अवाम ने एक राय दिया था एक मुंतखब हुकूमत को, चले आपने सिस्टम के लकूना यूज करके उन्हें हटाया, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अवाम में जाएं, जिसको अवाम चाहते हैं 5 साल का मैंडेट दे ताकि वो इन इश्यूज की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लाए। अब मैं ना मानू कि गिडॉन में तो नहीं होता ना, अगले कहते हैं नहीं हमें अपने नैब के केसेस खत्म कराने हैं, ये चोर कहने की बात नहीं है, ये तो एक नजर आ रहा है, कहती है तुझे खलके खुदा क्या, आप कर क्या रहे हैं? और शायद यही दुखी एस्पेक्ट है इसकी के बजाय अवाम के दुख के, बजाय रिफॉर्म्स के, बजाय उन चीजों के जो मैं आप और जाहिद साहब डिस्कस कर रहे हैं, बजाय उसके जो उमर मीर यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फोकस सारा किसी और जगह है। जब ऐसा होता है फिर आप गिमिक्री करते हैं, कभी आप इम्पोर्ट रोक के फजिंग करते हैं, कभी आप नंबर डिस्टॉर्ट करके फजिंग करते हैं, कभी आप बायर एग्रीमेंट ब्रेक करते हैं, कभी आप मीडिया को पैसे दे के बयानियां बनाते हैं, और नहीं करते तो वो काम जिसकी जरूरत है। अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, किसने रोका हुआ है हुकूमत को कि डीजल जिसकी प्राइस कम कर सकते हैं, आईएमएफ का भी इशू नहीं। अब इन्होंने करना था ना डॉलर के हवाले से पेट्रोल की लेवी, मिफ्ता ने खुद कहा ना कि जी मैं जो आईएमएफ से तय करके आया था मिफ्ता ने ना है उसके खिलाफ कर दिया डॉलर ने, किसी ने रोका नहीं, रोका जहां पे ये समझते थे इंटरेस्ट में। तो जो चीजें आवाम के रिलीफ के लिए, थोड़ा सा वहां पे भी तवज्जो दे दें सियासी मफादात से निकल के, तो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होगी। और इसमें 2-3 एस्पेक्ट, जो भी चीज हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये नहीं हो कि माजी की तरह के आईपीपी के इस तरह के एग्रीमेंट हो जो कौमें भुगते और कहे हमने जी देखे मसला हल कर दिया और आज तक हम 3.5 रुपए की बजाय 39 रुपए पर यूनिट बिजली कर रहे हैं, जिसकी वजह से 350 अरब पे हमारे लॉसेज हो रहे हैं, ना इन्वेस्ट कोई लाइन पे हो रहे हैं, लाइन लॉसेज उसके अलावा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का नाम नहीं है। आप आज देख ले, मैं आपको बता रहा हूँ और दुखी दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ गैर साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन्होंने करना के, जो हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं उसका एक हिस्सा मार्केट में जाएगा, डॉलर स्टेबलाइज होगा, 190 से भी ये लाइटली नीचे आ जाएगा, 200 से नीचे आएगा डेफिनेटली। दूसरी चीज होगी आपकी जो इंपोर्ट रोकी हुई थी वो खुलेगी, और इस तरह खुलेगी कि हर बंदा जो इंडस्ट्री कर रहा था वो भी अट्रैक्ट होगा कि इंडस्ट्री बंद करो इंपोर्ट करो सारा, और उस आर्टिफिशियल बैलून को इस टेम्परेरी बबल से सपोर्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर को अगेन वक्ती तौर पे दिलासे दिए जाएंगे, कोई रिफॉर्म नहीं होगी, कोई उनके अंदर इस तरह की ग्रांट्स नहीं दी जाएगी, कोई उनका टेक्नोलॉजी फोकस नहीं किया जाएगा, कोई उनकी यील्ड बढ़ाने पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, और कम नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन हो रहा होगा आर्टिफिशियल गिमिक्री के ऊपर बयानियों की जंग होगी, और आप हम बैठे यही रोना रो रहे होंगे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन है। सही, फेयर इनफ। लेकिन मेरा एक सवाल फिर भी रह गया उमर साहब, इसहाक डार साहब कंसिडरिंग 2018 से मुल्क से खुद साख्ता जलावतनी की बाइस मुल्क से दूर थे, और फिर सेहत की खराबी की बाइस तकरीबन तौर पर पाकिस्तान की सियासत में या फाइनेंशियल सर्कल की बात की जाए तो पूरी तरीके से आउट थे,
एक ऐसा शख्स जो कि हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रहा हो, फिर किसी भी तौर पे फाइनेंशियल सर्कल से भी दूर हो, क्या ऐसा शख्स 5 साल या 4 साल बाद आके सडनली एक ऐसे मुल्क की फाइनेंशियल्स को या इकोनॉमी को संभालने का अहल रह जाता है? क्योंकि फिर तो बड़े सारे सवालात होंगे अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं और आप आके सडनली फरारी ड्राइव कर दें, तो फिर आपके लिए सवालात इतने आसान तो नहीं होंगे। फिर दो में से एक ही चीज होगी। सवाल आपका बहुत अच्छा है, या तो आपके पास अलादीन का चिराग होगा जिसको रगड़ते ही आप सारा कुछ सही कर देंगे, या फिर आप एक्सीडेंट करेंगे, जो हमें होते नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी आलमी इदारों में ये बातें शुरू होने शुरू हो गई है, ये फजिंग की मैंने अभी जो आपसे रिपोर्ट की शेयर की है, इन्फ्लेशन वाली, मतलब आप लोगों को अब उसका बेवकूफ नहीं समझ सकते ना, चीजें लोगों को नजर आ रही है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अब इकोनॉमी सियासत से अलग नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी सारी इंटरकनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे आईएमएफ से जो बात हुई थी और जो ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी, मिफ्ता को रोका गया कि तुम कम नहीं करोगे, डार आके कम करेगा, अवाम एक महीने रोले क्योंकि उसको हीरो बनाना है। हीरो क्यों बनाना है, सबको पता है वो किन के करीब है, हाउस ऑफ शरीफ में क्या डिवीजन है, वजीर आजम कौन है, पावर किसके पास है, किसको वापस लाना है। जो दो जमा दो आप करेंगे चार, उसकी जमा तफरीक से आपको हिसाब नजर आएगा। साहब फाइनल कमेंट लास्ट मिनट, इलेक्शंस का हो जाना या इलेक्शंस की डेट का अनाउंस हो जाना मौजूदा टर्मोइल को कंट्रोल कर सकता है? Absolutely, 100%. जिस दिन आपकी इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, मुल्क में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जितनी ये डिसओरिएंटेशन है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है और अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो जहरे कातिल है मईशत के लिए, बिजनेस के लिए, वो खत्म होगी। जैसे ही ये डस्ट सेटल होगी, आप देखेंगे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होगा। दैट इज द वे आउट स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, उनके ऊपर बात की जाए, उनको उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए और उन पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाए जो आज तक पाकिस्तान में हमेशा से नजरअंदाज होते रहे। 75 साल गुजर गए, पाकिस्तान की मईशत आज भी एक बड़ा सवालिया निशान बनी, और क्यों आज भी पाकिस्तान की मईशत को लेकर हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि पाकिस्तान एक महफूज मुकाम पर मौजूद है? पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा, पाकिस्तान में मौजूदा स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां, और पाकिस्तान का जो जो किबला है वो किस तरफ होना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए, किन को वक्ती तौर पे तर्क कर देना चाहिए, ये हमें इस एक बार डिटरमाइन करना होगा और फिर इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी मेजर्स को अपनाना होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अपने मेजबान मोहिनी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।